Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. NRPS school की विज्ञान की online classes में आपका स्वागत है. बच्चों, हमारा first chapter जो है वो पिछले जितने भी lectures हुए उसमें complete हो गया है. मैंने question answers भी आपको करवा दिए हैं. आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग ये जो जितना भी करवाया जा रहा है आपको syllabus, वो आप साथ के साथ learn कर रहे होंगे. क्योंकि स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जिस तरीके से ये महामारी की वजह से छुट्टियां बढ़ रही है, अभी कोई भी डिसाइडेड नहीं है कि कब स्कूल खुलेगी. तो हमें जो समय है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कम है और पढ़ने का काम हमारा बहुत ज़्यादा है. इसलिए बच्चों, आप लोगों को अब अपना टीचर खुद को बनना है. हम लोग तो आपको एक गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर बैठे हर चीज़ समझ में आए, पर फिर भी अब पहले जितनी आप मेहनत करते थे उससे डबल मेहनत आपको इस बार करनी है. क्योंकि अब ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी ज़्यादा बढ़ गई है. क्योंकि ये जितना आपको अब ये है कि कोई चेक करने वाला नहीं है, तो आप खुद अपने टीचर हो कि मैंने आज जो मैम ने पढ़ाया मुझे, क्या मुझे आज पूरा वो मैंने समझा है, और उसको मेरे वीडियो देखने के बाद आप बुक को वापस से रीड करो, वही चैप्टर रीड करो जो मैंने आपको समझाया है, उसको बुक में से रीड करो. उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप याद करो, और रात को सोने से पहले ये पूरा कंफर्म करो कि आज जितनी पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई मेरे लिए आई है, क्या मैंने उसको पूरी ईमानदारी के साथ किया है. अगर आपने किया है तो बच्चों बहुत बढ़िया बात है, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो पढ़ने पे ध्यान दें. क्योंकि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़िम्मेदारी जो है पढ़ने की, ज़्यादा ज़िम्मेदारी आप लोगों पे आ गई है. इसलिए बच्चों, समय कम है, बोर्ड क्लास है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है पढ़ाई पे. क्योंकि बाद में जितने भी टाइम, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनेशन टाइम होता है वो तो आगे शिफ्ट होगा नहीं, एग्ज़ाम तो उसी टाइम पर होगा. इसलिए हमें उस सिलेबस को, जो जितना सिलेबस है आपका, उसको कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, और होप करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो आप लोग एक अच्छे बच्चों की तरह ही सारा काम कर रहे हो, याद कर रहे हो. आज जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का ही फाइनल लेक्चर है. फर्स्ट चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया है, पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीच में से और मैंने बनाए हैं वो आप लोगों को मैं समझा रही हूँ. बच्चों देखो, बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि फसल जो है वो फसल किसे कहते हैं. ठीक है, एक ही किस्म के पौधों को बहुत भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र पर बोया जाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है. इसके बाद में हमने देखा कि फसल जो है वो उसका प्रबंधन आवश्यक है. फसल जो है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्यों? क्योंकि भारत के देश की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उस आबादी के लिए हमें जो फसल है उसका नियमित उत्पादन, प्रबंधन और वितरण करना आवश्यक है. क्योंकि ताकि हर पूरी आबादी को इसका फ़ायदा हो सके, ये फसल का उत्पादन उसको मिल सके, तो उसके लिए हमें उचित उत्पादन करना चाहिए और नियमित रूप से उत्पादन करना चाहिए, उचित प्रबंधन करना चाहिए और वितरण करना चाहिए. अब कृषि पद्धतियाँ हमने देखी कि जो कृषि की पद्धतियाँ हैं उसके पहले तो देखा कि फसल जो है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, रबी और खरीफ. तो दो प्रकार की फसल होती है. उसके बाद में हमने देखा कि जो फसल के विभिन्न चरण हैं, कृषि पद्धतियाँ जो अपनाई जाती हैं उसके विभिन्न चरणों में कृषि पद्धति की जाती है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. जैसे आप लोग हो तो पहले फर्स्ट आप UKG में आते हो, LKG में आते हो, UKG में आते हो, फिर फर्स्ट सेकंड इस तरीके से जाते हो. वैसे ही फसल भी ऐसे ही नहीं कि खेत मिला और उसमें बीज डाल दिए और हो गई फसल, ऐसा नहीं. विभिन्न चरणों में फसल का उत्पादन किया जाता है, कृषि पद्धति अपनाई जाती है. और ये विभिन्न चरण कौन से होते हैं? 7 चरण होते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं. ठीक है, और मिट्टी को तैयार करने का जो तरीका है उसमें मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाया जाता है, जिससे बीज जो अंकुरित हों तो उनकी जड़ें आसानी से मिट्टी के अंदर प्रवेश कर सके. इसके अलावा
मिट्टी में उपस्थित जो पौधे हैं उनकी जड़ों को श्वसन करने में आसानी हो, क्योंकि गैस जो है वो इन छिद्रों के द्वारा, मृदा के छिद्रों के द्वारा अंदर चली जाती है, तो वो आराम से अच्छे तरीके से श्वसन कर सके, पर्याप्त मात्रा में उनको जल मिल सके, पर्याप्त और आसानी से जड़ें जो है वो भूमि के अंदर जा सके, अधिक गहराई तक जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले मिट्टी को तैयार करते हैं बोने के लिए। अब इस मिट्टी को तैयार करने के पश्चात, इस मिट्टी को तैयार करने में कई औजार काम में लेते हैं, जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, तो इन सब का उपयोग हम करते हैं जुताई करने में। इसके बाद में बच्चों हमने देखा, जब हम जुताई कर लेते हैं तो उसमें हम खाद और उर्वरक डालते हैं, ठीक है। खाद और उर्वरक क्या करते हैं, कई बार जब हल चलाते हैं तो उसके साथ ही खाद भी डाल दिया जाता है, मतलब खेत है जैसे, खेत में खाद डाल दिया और उसके बाद में हल चला दिया, इससे क्या होता है, जो खाद और उर्वरक होते हैं वो अच्छे से मिल जाते हैं मिट्टी के, मृदा के अंदर। इसके अलावा जो खाद और उर्वरक है उसमें अंतर हमने देखा कि खाद और उर्वरक जो है वो दो प्रकार, क्या उनमें अंतर है, खाद जो है वो प्राकृतिक होते हैं, उर्वरक जो होते हैं वो कृत्रिम होते हैं, फैक्ट्रियों में, प्रयोगशालाओं में निर्मित होते हैं। खाद जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस मतलब कार्बनिक पदार्थों के अपशिष्ट, तो कार्बनिक पदार्थों के अपशिष्टों की मात्रा खाद में अधिक होती है, जबकि उर्वरक जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। खाद जो हैं क्योंकि वो प्राकृतिक हैं तो उनके अधिक उपयोग करने से भी मृदा की उपजाऊपन क्षमता जो है वो बनी रहती है, जबकि उर्वरक जो होते हैं उनकी उपजाऊपन क्षमता, अगर उनका अत्यधिक उपयोग किया जाए तो मृदा जो है वो बंजर हो जाती है, तो अधिक उपयोग उसका नहीं किया जाना चाहिए। अब जो खाद है बच्चों उसमें पोषक पदार्थों की कमी होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, कृत्रिम रूप से तैयार नहीं है, तो इसमें पोषक पदार्थ उतने नहीं होते जितने उर्वरकों में होते हैं, जबकि उर्वरकों में पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि वो फैक्ट्रियों में, प्रयोगशालाओं में निर्मित होते हैं। इसके बाद हमने बच्चों देखा कि खाद और उर्वरक जब हमने डाल दिए तो उसके बाद में हम बुआई का कार्य करते हैं। मृदा में बीजों को बोने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। ये बुआई जो है वो दो तरीक़ों से होती है, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत तरीके में क्या होता है, एक कीपाकार उपकरण होता है और उस पर पाइप लगा होता है, और उस पाइप को, उसका वो पाइप जो है उस, वो आगे जाकर तीन सिरों में, नुकीले सिरों में विभाजित हो जाता है। कीपाकार जो आकृति है उसके अंदर बीजों को डाला जाता है और वहाँ से बीज जो उस पाइप से होते हुए जो तीन नुकीले सिरे हैं उसमें छेद होते हैं, उससे जो बीज है वो मृदा के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो है ये तरीका पारंपरिक है, परंतु आजकल आधुनिक तरीके अपनाए जाते हैं जिसमें उपयोग करते हैं हम सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल से जो बीज है, बीजों के बीच की जो दूरी है वो निश्चित बनी रहती है, और जो बीज एक कतार में जो बीज का रोपण होता है, तो ये सीड ड्रिल जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है आज के परिवेश में। अब देखिए बच्चों के उसके बाद में जब हमने बीज रोपण कर दिया तो उसके पश्चात हम करते हैं सिंचाई। सिंचाई के अंतर्गत आता है कि पौधों को निश्चित अंतराल या नियमित अंतराल में फसलीय पौधों को जल देने की प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के विभिन्न स्रोत होते हैं। सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत आता है कुएं, नलकूप, तालाब, नदियाँ, झीलें आदि। इसके पश्चात बच्चों जब हम सिंचाई के विभिन्न स्रोत हैं, अब सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन जिन साधनों से हम जल को इन जल स्रोतों से बाहर निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंचाई के साधन। ये सिंचाई के साधन भी दो प्रकार के हैं, पारंपरागत और आधुनिक। आधुनिक पारंपरागत जो साधन है, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वो है चड़स, रह, ढेगली, ठीक है। तो ये जो हैं घिरनी वगैरह, ये सब क्या हैं, पारंपरिक साधन है। इसके अलावा आधुनिक साधन जो जिनका उपयोग आजकल ज़्यादा करते हैं वो है डीजल पंप, है ना, डीजल पंप है, विद्युत पंप है, इनका उपयोग करते हैं।
इसके बाद में हमने देखा सिंचाई की आधुनिक पद्धतियाँ, आधुनिक विधियाँ जिनसे हम सिंचाई करते हैं। पहली आधुनिक विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र के अंदर क्या होता है बच्चों, कि जैसे जो फलों के बगीचे वगैरह होते हैं उसमें आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं वो एक कतार में लगे होते हैं, ठीक है, एक कतार के अंदर फलों के पेड़ जो हैं वो लगे होते हैं कतार में, एक लाइन में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे इनके गड्ढे बने हुए हैं और इन गड्ढों में इसी लाइन में एक पाइप को बिछा दिया जाता है और इस पाइप में जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र कर दिया जाता है, एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है जब पानी चलाया जाता है इस पाइप के माध्यम से तो बूंद बूंद कर पानी इस गड्ढे में घिरता है और इन पौधों को, इन पेड़ों को पानी मिलता रहता है। इससे क्या होता है, जिन इलाकों में पानी की कमी है वहाँ पे पानी की बचत होती है, पानी व्यर्थ नहीं जाता है, पूर्ण रूप से जो जल है उसका उपयोग पौधे द्वारा कर लिया जाता है। दूसरी पद्धति आती है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या किया जाता है कि एक मुख्य पाइप होता है और उससे ऊर्ध्वाधर कई पाइप जुड़े होते हैं जिस पर एक नोज़ल लगा होता है, फंवारे लगे होते हैं। जब पानी चलाया जाता है तो ये नोज़ल घूमने लगते हैं और पानी जो है वो चारों तरफ इस तरीके से गिरता है जैसे कि मानो वर्षा हो रही हो। तो इस विधि को हम कहते हैं छिड़काव तंत्र। ये विधि जो है वो वहाँ उपयोगी होती है जहाँ पे भूमि असमतल है और उबड़ खाबड़ है, मतलब असमतल भूमि जो है वहाँ पर इसका उपयोग अधिक किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में सिंचाई हो गई। सिंचाई के बाद में हमने देखा कि खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार होते हैं फसलों के बीच में उगने वाले अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं और खरपतवार से बचने के कई तरीके हैं। एक तो कि इसका मतलब इसको हटाने के तरीके, एक तो हाथों के द्वारा, मनुष्य खुद हाथों के द्वारा उसे उखाड़ देता है जिसमें या फिर खुरपी की मदद से, खुरपी या हैरो की मदद से। दूसरा आता है कि इसको इसमें खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, जैसे 2,4-D इसके उदाहरण है, जो खरपतवार नाशी का रसायन आते हैं उनका छिड़काव किया जाता है। तीसरी विधि है कि जब हल चलाया जाता है तो इन खरपतवारों को जड़ सहित उखड़ जाते हैं ये, और फिर इनको एक दो दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो मृदा में मिल जाते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे हम खरपतवार से बच सकते हैं। उसके पश्चात बच्चों कटाई का कार्य आता है। कटाई जो है वो कंबाइन मशीन द्वारा की जाती है और इस कटाई के पश्चात हम बीजों को भूसे से अलग करते हैं और बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशर कहते हैं और इस थ्रेशर का जो है कार्य, सॉरी कटाई का कार्य तो हार्वेस्टर से करते हैं और थ्रेशिंग करने का कार्य कंबाइन मशीन से करते हैं। उसके बाद में भंडारण, भंडारण पढ़ा बच्चों हमने। भंडारण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है फसल प्रबंधन में। उसमें क्या है, अगर हमने फसल अच्छे से प्राप्त कर ली तो बीजों में नमी बनी रहती है, जब कटाई होती है तो बीजों में कुछ नमी बनी रहती है। इसके लिए बीजों को सुखा कर भंडारित किया जाता है ताकि उसमें जितना जल है वो बाहर निकल जाए। उसके पश्चात जो मंडियों में बड़े बड़े भंडार गृह का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं हम साइलो। घरों में जब अनाज को सुरक्षित रखते हैं तो हम उपयोग करते हैं नीम के पत्ते आदि प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, जबकि जो बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं उनमें रसायनों का उपयोग भी किया जाता है ताकि अनाज को सूक्ष्म जीवों, चूहे, कीटों आदि से सुरक्षित रखा जाए। तो बच्चों ये सारी बात हो गई आपका पूरा एक चैप्टर, ये मैंने वापस से एक बार आपको संक्षिप्त में बता दिया है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न लिखेंगे और उसका उत्तर मैं आपको समझाऊंगी, करना आपको खुद ही है, क्योंकि एक एक प्रश्न का उत्तर मैं नहीं लिखवाऊंगी। मैंने पाठ पूरा आपको समझा दिया है और मैं इनके उत्तर भी आपको अच्छे से समझा दूंगी। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली है वो बुक्स ले लें ताकि ये प्रश्न करने में उनको आसानी हो। प्रत्येक प्रश्न जो है वो बुक में आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है,
धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? देखो बच्चों, धान जो है वो अधिक जल वाली फसल है, ठीक है। उसको उत्पादन के लिए क्या चाहिए? अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे मानसून, जब बारिश वर्षा का समय होता है तब, क्योंकि जलापूर्ति अधिक हो जाती है तो उस समय इसे उगाया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है, ठीक है। धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, टिप्पणी लिखो। पहला हल और दूसरा कुदाली। देखो बच्चों, हल और कुदाली जो है उसका, उस पर आपको क्या करना है? टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो हल और कुदाली में क्या आएगा? जो हल और कुदाली किया क्या कार्य करता है? मिट्टी को तैयार करने में काम आने वाले कृषि औजार हैं। ये दोनों ही मिट्टी को तैयार करने में काम आने वाले कृषि औजार हैं। हल जो है वो प्राचीन काल से ही इसका उपयोग किया जा रहा है। खाद और उर्वरक को मिलाने में, खरपतवार निकालने में और मिट्टी खुरचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है और जिसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, ठीक है। एक लोहे की यहाँ पे मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम फाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? हम कहते हैं फाल। और ये जो मजबूत तिकोनी पत्ती है, ये एक लकड़ी के लंबे डंडे जैसी संरचना से जुड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं हल शाफ्ट, ठीक है, हल शाफ्ट। और हल शाफ्ट के दूसरे सिरे पर जो संरचना बनी होती है, जिसको बैलों के कंधों पर डाला जाता है, इसे कहते हैं हम जोत, ठीक है। तो ये संरचना पूरी आपको बच्चों बतानी है हल में। कुदाली जो है, कुदाली भी एक सरल औजार है और जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। इसमें भी एक लोहे की पत्ती लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लेड जैसी होती है वो पत्ती, और उस पर हल शाफ्ट लगा होता है, वही लंबा डंडा जुड़ा होता है लोहे का या लकड़ी का, और उसको जोत जिसका दूसरे सिरे पर जोत लगे होते हैं, और जोतों को बैलों से जोड़कर या ट्रैक्टर से जोड़कर इसका कार्य किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में है तीसरा प्रश्न है, बीज स्वस्थ हैं या नहीं प्रश्न 3, बुआई के लिए उपयुक्त बीजों का चयन करने हेतु एक
क्रियाकलाप कीजिए। ठीक है, क्रियाकलाप करना है। बीजों को बुआई के लिए उपयुक्त है बीज या नहीं है, उसके लिए एक क्रियाकलाप हमें करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक बाल्टी पानी लेंगे और उसमें बीजों को डाल देंगे। जो बीज अस्वस्थ हैं, खोखले हैं, क्षतिग्रस्त हैं, वो तो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, और जो बीज भारी है, स्वस्थ है, वो पानी के अंदर ही रहते हैं। इसका मतलब कि जो भारी और स्वस्थ बीज होते हैं वो पैंदे पर बैठ गए तो वो बुआई के लिए उपयुक्त हैं, जबकि क्षतिग्रस्त बीजों को ऊपर से ही हटा दिया जाता है निथार के। तो ये क्रियाकलाप आपको लिखना है। फिर है सीड ड्रिल के बारे में बताइए, चौथा प्रश्न है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के बारे में बताइए। आपकी किताब में बच्चों पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है सीड ड्रिल के बारे में, वो आपको लिखना है। ठीक है, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न डालकर आपको काम करना है। तो सीड ड्रिल जो है उसमें क्या किया जाता है, बुआई करने में काम में लिया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है सीड ड्रिल, और इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई जो होती है वो बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज जो है मिट्टी से ढक दिए जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की ही क्या होती है, बचत होती है। अब पांचवा प्रश्न बच्चों लिखिए, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार होती है। ये सेवेंथ में भी था आपको, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है। इसमें आप क्या करेंगे बच्चों कि बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं, उसमें कृषि अपशिष्ट और जंतु अपशिष्ट को डाल दिया जाता है और उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है छायादार स्थान पर, और ढकने के पश्चात उस पर पानी छिड़क कर उसको नमी दी जाती है। कुछ महीनों बाद वो जो खाद है, वो जो अपशिष्ट है, वो खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। छठा प्रश्न है, मिट्टी के पुनर्गठन में राइजोबियम के महत्व को समझाइए। मिट्टी के पुनर्गठन में राइजोबियम का महत्व। बच्चों राइजोबियम क्या होता है, जो दालों वाले जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है, और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदल देता है। तो इस तरह से ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने में सहायक है, इसलिए इसे मिट्टी के पुनर्गठन में इसका जो है वो अभूतपूर्ण योगदान रहता है। प्राकृतिक रूप से ये मिट्टी का पुनर्गठन करता है। इसके बाद में बच्चों सातवां प्रश्न, खाद के लाभ लिखो। खाद के लाभ में बच्चों क्या आएगा कि जो खाद है वो मिट्टी को क्या करती है, छिद्रिल करती है, और छिद्रिल करने की वजह से जो गैस विनिमय है वो सरलता से होता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को ये बढ़ाता है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये होंगे इसके लाभ, खाद के लाभ। फिर प्रश्न आठवां,
सिंचाई के महत्व पर प्रकाश डालिए। सिंचाई के महत्व पर प्रकाश डालना है, मतलब सिंचाई से क्या होता है बच्चों कि पौधे की वृद्धि परिवर्धन जो है उसके लिए उसमें इसका महत्व है। बीजों का अंकुरण आसानी से होता है, इसके अलावा मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए भी सिंचाई बहुत उपयोगी है। फिर है प्रश्न 9, खरपतवार से फसलीय पौधों को क्या हानि होती है। ठीक है, फसलीय पौधों को क्या हानि होती है कि फसलीय पौधों को उचित पोषण जल जो है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, जिससे प्रतिस्पर्धा जो है वो बन जाती है और अच्छे से उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। फिर है प्रश्न 10, फसल की कटाई के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखो। देखो बच्चों, फसल की कटाई के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार जो हैं, कई त्यौहार फसलों की कटाई के साथ मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल हुआ, बैसाखी हुआ, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नबाया, बिहू, ये सारे त्यौहार हैं जो फसल की कटाई के साथ ही मनाए जाते हैं। तो बच्चों ये आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो सारे हो गए हैं। 10 प्रश्न मैंने लिखवा दिए हैं और एक प्रश्न एक और, जैसे मैं प्रश्न आपको पूछूं तो कि मछली के से हमें कौन सा तेल मिलता है, मछली से हमें कॉड लिवर तेल मिलता है और इसमें किसकी भरपूर मात्रा होती है, विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है। तो बच्चों आपको ये पाठ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और आप लोग को अच्छे से सारे वीडियो देखने हैं, वापस से पाठ को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर करने, हालांकि मैंने सब साथ में उत्तर बोल दिए हैं फिर भी आपको अब खुद से लिखना है इनको। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपका मूल्यांकन टेस्ट होगा, तो उसके लिए ये पूरा पाठ आएगा, कुछ भी मैं दूंगी, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और जितने भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो सारे आपको याद करके रखना है।